All right, good morning, gentlemen, ladies, everybody, friends. गुड सेट लेक्चर सीरीज में फिर से स्वागत है आपका। काफी टाइम से गुड सेट का लेक्चर नहीं हुआ था, थोड़े यू नो बीच में लफड़े चल रहे थे, बट अब वापस उन्होंने डेट अनाउंस कर दी, तो वी आर ऑल गुड। सो रे ऑप्टिक्स का सीजन है अभी आज। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट वन, आई एम श्योर यू रिमेम्बर। अब पार्ट टू बाकी है। पार्ट टू के छह चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और बेसिक फंडामेंटल्स को लेके और फॉर्मूला को लेके काफी सारा एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग वी स्टार्ट इज द आइडिया ऑफ रे ऑप्टिक्स। व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? यू नो द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेस, यू नो स्ट्रेट लाइंस, इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। दूसरा ब्रांच है अगले चैप्टर में, विच लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स, बट दिस इज रे ऑप्टिक्स। बहुत सारे यू नो फिनोमिनन हम देख सकते हैं इसमें, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन एंड ऑल। गॉट अस। वी विल स्टार्ट आवर आइडिया विद रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? यू ऑलरेडी नो दिस, आई एम जस्ट यू नो मूविंग अराउंड। यू नो व्हेन लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस, इट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इफ आई वुड शो इट टू यू पिक्टोरियली, दिस इज योर पॉलिश सर्फेस, सो and this is the normal to the polished surface. Remember, normal plays a very big role. ये incident ray आई, this is the ray of light that is incident, and यहाँ से incident होके ठप करके ऐसे वो बाहर निकल जाएगी. So this is your incident ray and this is your reflected ray. There are two laws of reflection. The first law says that the incident ray, the reflected ray and the normal, they all lie in the same plane. And the second law, which is the most important idea for reflection, is that the angle of incidence. Now, what is angle of incidence? You know, the angle made by the incident ray with the normal is called angle of incidence, whereas the angle made by the reflected ray with the normal is called angle of reflection. So the second law is the most important, which says angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the idea of reflection. We'll look at reflection through two things. One, through a plane mirror, and secondly, through curved mirrors. Alright, now this is a plane mirror. You stand in front of it many hours a day. So this is a plane mirror, and this is the object. This is you, object, and aisa hi same saam ke saamne banta hai, wo zara bhi jhoot nahi bolta, वो होता है इमेज। और आंखें नहीं है, ऐसा नहीं आंखें हैं। और तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर? यू ऑलरेडी नो दिस, यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज? फर्स्ट थिंग, इमेज इज वर्चुअल, मीनिंग यू कांट टेक इट ऑन अ स्क्रीन। आप जाके इस इमेज को टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मिरर के अंदर है, मिरर के पीछे नहीं है, मिरर के 2 मीटर पीछे। सपोज तुम 2 मीटर आगे खड़े हो मिरर के, और तुम 2 मीटर पीछे अपनी इमेज देख रहे हो, तुम 2 मीटर पीछे अपने दोस्त को बोलोगे जा बेटा टच करके आ जा, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इमेज मिरर के पीछे नहीं है, मिरर के अंदर है। सो इट्स अ वर्चुअल इमेज, इट इज इरेक्ट। तुम अगर सीधे हो तो इमेज भी सीधी ही होगी तुम्हारी, तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड सेम साइज। इफ यू आर 5 feet, द इमेज इज ऑल्सो 5 feet। इमेज ऐसे नहीं दिखाएंगे तुम अमिताभ बच्चन हो, ये नहीं पॉसिबल है। और द सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम एज इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप 2 मीटर दूर खड़े हैं, तो मिरर से इमेज भी 2 मीटर दूर ही होगी। थर्ड, यू नो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अगर आप अपना राइट हैंड हिलाते हैं, तो यू विल सी दैट द इमेज रेजेस लेफ्ट हैंड। सो image is called lateral inversion, laterally inverted, and magnification, jaise maine kaha, you know magnification is image size upon object size. As I said, image size and object size are same, so the magnification is 1, so magnification is 1. And it is plus 1, huh? जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में हो ना, इसका मतलब इमेज इरेक्ट है।
तुम्हारी मुंडी कोइंसाइड्स विद इमेज की मुंडी, इन्वर्टेड हो ना, तुम ये हो और इमेज इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन माइनस में आ जाएगा, याद रखना हमेशा. सो इफ इट्स अ पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दैट मींस इमेज इज इरेक्ट, एंड इफ इट्स अ नेगेटिव मैग्निफिकेशन इट मींस इमेज इज इन्वर्टेड. ओके अच्छा, फोकल लेंथ एफ फॉर अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी. यू नो कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्या फोकल लेंथ है क्या नहीं है करके. सो फॉर अ प्लेन मिरर फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी. तो ये सारी आइडियाज थे यू नो प्लेन मिरर के. अब बात करते हैं, अच्छा एक और छोटी सी चीज, सपोज ऑब्जेक्ट इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 2 meters per second यू नो टूवर्ड्स द मिरर, तो इमेज कितनी स्पीड से आ रहा होगा टूवर्ड्स द मिरर, सेम स्पीड 2 meters per second. सो लेट मी पुट दैट डाउन एज अ नोट. If object moves with speed u towards a mirror, plane mirror, then image moves also moves with speed u towards the mirror. So this is a very important idea. कि अगर आप 2 meters per second की स्पीड से मिरर की तरफ भाग रहे हैं तो इमेज भी 2 meters per second की स्पीड से ही अप्रोच करेगा मिरर को. ऑन दी अदर हैंड सपोजिंग मिरर को मूव करवाया हमने, तो सेकेंडली इफ मिरर मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट विथ स्पीड वी, देन यू नो बंदा खड़ा है, मिरर उसकी तरफ आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 meters per second, तो ऑब्जेक्ट इमेज की स्पीड क्या होगी, 4 meters per second. देन इमेज मूव्स विद स्पीड 2v विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, एंड हमेशा याद रखना जैसे इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू नो इफ यू डिफरेंशिएट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा आपको, स्पीड. फेयर एनफ, इफ यू डिफरेंशिएट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू गेट स्पीड. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थर्ड यू नो वैसे ये गुड साइड में इतना लेवल का आप नहीं पूछते, बट जेई वगैरह नीट वगैरह में इसका काफी इंपॉर्टेंस रहता है कि एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर में ही, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. बट हमेशा याद रखना बिकॉज ऑब्जेक्ट यो जाएगा इमेज यो आएगा तो इमेज का डायरेक्शन माइनस में लिया जाएगा, उसकी साइन होगी नेगेटिव. दैट इज velocity of object with respect to mirror is minus velocity of image with respect to mirror. This is a very important idea. तो ये हो गया plane mirrors. अब बात करते हैं curved mirrors की. Alright? So, ए कोई जानना चाहता, मैंने जो ऊपर लिखा था उसका proof देखना चाहता, V और 2V वाला, कोई बोलेगा नहीं पर मैं फुकट में दिखा देता हूं. अच्छा suppose initial situation ये है, बंदा यहां खड़ा है, ये मिरर है और इमेज यहां है, इमेज को ब्लू में बना दे, चलो ब्लू में होगा तो मजा आएगा. ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये मिरर, सपोज ये डिस्टेंस है 10, ये भी डिस्टेंस होगा 10. नाउ सडनली इमेजिन दैट द मिरर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड ऑफ 4 meters per second. ऑलराइट, तो यहां से यहां तक आ गया, ऑब्जेक्ट तो अभी भी यहीं पर है, अब 1 second में 4 meters आ गया, तो कितना डिस्टेंस हुआ अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में. यार तुम भी कमाल करते हो, 6 हुआ ना. अगर 4 meters per second से अप्रोच कर रहा है तो 10 में से 4 गया, कितना रहा, 6. इमेज भी कितने पे बनेगी, अरे सूच है. अच्छा आप देखो ये पूरा 20 था. What was the distance between object and image 20?
Now what is the distance between object and image? 12. तो इमेज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 - 12 8. मिरर ने कितना ट्रेवल किया था? 4. तो कैन यू सी इमेज ने मिरर से डबल ट्रेवल किया है. सो अगर मिरर की स्पीड होगी v विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इमेज की स्पीड होगी 2v विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो दिस वाज़ दी यू नो आइडिया दैट आई वाज़ शोइंग यू. ओके फाइनली अब कर्व्ड मिरर्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स. दो टाइप के कर्व्ड मिरर होते हैं संसार में, एक तो कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स. ये अगर आप केव में लाइट केव में घुसती हुई नजर आए तो इट्स कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर. एंड अगर लाइट किसी बल्जिंग सरफेस पे आती हुई नजर आए तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉनवेक्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज आई हैव ड्रॉन, दिस इज पॉइंट पी व्हिच इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर, जहां से सारे मेजरमेंट्स यहीं से लिए जाएंगे. नाउ द लाइन दैट पासिस थ्रू पी एंड इज यू नो परपेंडिकुलर टू द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. यू ऑलरेडी नो ऑल दिस, सो आई एम मूविंग अ बिट फास्ट. आई डोंट नीड टू, डू आई नीड टू वेस्ट टाइम ओवर दिस एक्सप्लेनिंग थिंग्स एंड ऑल? सो किस तरह का फंडा है, क्या है करके. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम हियर. अच्छा, ये जो मिरर बना है वो किसी ग्लास के सरफेस में से, किसी ग्लास के क्रिस्टल बॉल में से काट के बनाया गया, तो उस पॉइंट का सेंटर, उस क्रिस्टल बॉल का सेंटर इज कॉल्ड सी. सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहीं यही होगा. ओके नाउ ये लाइंस जो सीधी आ रही है, रेज ऑफ लाइट, यू नो दे आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड they are parallel to the principal axis. These rays are called paraxial rays, parallel to the axis. So these are called paraxial rays. और ये सारी यहां आके you know converge होंगी एक single point पे, and this point I'm sure you know is called principal focus, denoted as F. So F is your principal फोकस. इसका भी अब ये देखो, इसका कैसा आएगा, ये आई. दिस मिरर डज नॉट टेंड टू कन्वर्ज द रेज, इट टेंड्स टू डाइवर्ज द रेज. सो वी कैन ओनली एक्सपेक्ट, हम पीछे वी कैन मेक दम बिहाइंड, बाकी एक्चुअली तो ऐसे जा रहा. सो इट्स डाइवर्जिंग. सो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड a diverging mirror and concave mirror is called a converging mirror. Okay, so this actually makes the rays meet, this diverges the rays, we can only draw them behind and we can imagine that it is here. So the distance between the principal focus and the pole is called focal length, and distance between the center of curvature and the pole is called radius of curvature. I'm sure you already know the relation between radius of curvature and focal length. I'll just give that to you. Distance is F, focal length, and R is the radius of curvature. So, relation between R and F. F is equal to R by 2. For a curved mirror, F is equal to R by 2. And now comes the most important formula, which is called the mirror formula. Or the equation for a mirror, it is 1 by u plus 1 by v is 1 by f, or you can also call it 2 by r. So very lovely this, 1 by u plus 1 by v. U is object distance, let me write that. U is object distance, v is image distance, f is focal length, and r is radius of curvature. But you can't use this equation just like that. There is something called a sign convention which you'll have to follow in order to use this equation. Now, what is sign convention? You know, it is the most lovely idea that ever happened to ray optics.
एंड यू नो पीपल हैव बीन टेलिंग मी सर साइन कन्वेंशन में सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ती है. यू नो प्राइमरली आई हैव सीन कि साइन कन्वेंशन में उसको सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ती है जो सारी चीजों को एक साथ देख लेता है. आप ऑब्जेक्ट को भी देख रहे हो, इमेज को भी देख रहे हो, मिरर को भी देख रहे हो, सब कुछ एक साथ देख रहे हो. एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन यू टेंड टू गेट मिक्स अप कि किसका प्लस लू किसका माइनस लू. शिट मैन इट इज सो कंफ्यूजिंग. बट इफ यू रिलैक्स एंड इफ यू फॉलो द पॉइंट्स कि फर्स्ट थिंग In the direction, everything is measured from the pole P of the mirror. The first point, all distance is measured from pole P. Sab kuch pole P se dekh raha. Okay, ye raha mera pole P. This is my reference point. In the direction of light, distances shall be taken negative. So, you will have to first find out ki bhai direction of light kaun sa hai. Suppose iska example le, to direction of light. Light kaisi aa rahi hai? Shum, aisi aa rahi hai. ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट. नहीं दिख रहा है यारो? ओके मैं दिखा देता हूं. ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट. और सपोज ऑब्जेक्ट कहीं यहां होता, लेट अस से हो, तो आपको ओ तक सब तुम्हारी हर गाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट, तुम्हारी हर गाड़ी का इनिशियल स्टेशन कौन सा है? पी. तुमको पी से ही जाना है. तो मैं पी पे खड़ा हूं और मेरे को ओ तक जाना है. मैं यो जाऊंगा राइट, पी से लेकर ओ तक गाड़ी कैसी जाएगी? ऐसी. अब देखो तुम ऐसे जा रहे हो, लाइट कैसी आ रही है? तुम्हारे से उल्टी आ रही है. सो अगर लाइट तुम्हारे से उल्टी आ रही है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव कंसिडर करना है. एंड यू नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लगभग हर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है. यू नो वी यू कंसिडर अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड अ स्टैंडर्ड इमेज मिरर्स के लिए, तो हर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव. सो द सेकेंड पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट distances are taken positive and vice versa, of course opposite to the direction of light distances are negative. So suppose object yahan pe hai aur image kahin yahan pe hi hai, let us call it say kahin yahan pe. To ab tumko image distance measure karna hai, tumko pehle pata chal gaya u negative hai, okay sab kuch ek sath mat karne baith jana. Tum roti bhi dal doge, sab ye dal doge, pani wali dal doge, muh mein nahi jayega barabar. तो पहले रोटी चबा लो फिर देखेंगे क्या करना है. अब वापस पोल पे आ गए, इमेज डिस्टेंस मेजर करना है. इमेज डिस्टेंस के लिए भी यूं ही जाना है, पी से आई तक, और यूं जा रहे हो, लाइट यूं ही आ रही है आपकी, सो आपका वी भी नेगेटिव है. एंड फाइनली फोकल लेंथ या रेडियस के लिए पी से एफ तक आना है, तो वो भी ऐसे ही जा रहे हो, तो एफ भी नेगेटिव है. सो एक एक करके करोगे तो हो जाएगा. सब कुछ एक साथ ले लोगे तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट मिक्स्ड अप. एज अ रिजल्ट आपका यू नो साइन कन्वेंशन गड़बड़ा जाएगा. साइन कन्वेंशन गड़बड़ा जाने से तुम गलत वैल्यूज पुट कर दोगे और गलत वैल्यूज पुट करने से फाइनल आंसर गलत आ जाएगा, विच विल लीड टू अ लॉट ऑफ हार्ट बर्न कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी सारा आंसर गलत ही आता है सर. अरे बेटा शुरुआत में थोड़ी सी गलती हो रही है तो वो गलती को सुधारो ना. तुम ये क्यों रो रहे हो? मेरे को रे ऑप्टिक अच्छा ही नहीं लगता. ऐसे बहुत लोग मिले मेरे सर, मेरे रे ऑप्टिक तो कतई पसंद नहीं. क्यों? जब मैंने खोदा तब मेरे को पता चला कि बेसिक कारण यह है कि वो बंदा साइन कन्वेंशन ही गलत ले रहा था. एंड रे ऑप्टिक्स में या तो मिरर होगी या लेंस होगी, सब जगह साइन कन्वेंशन होगा. अगर बंदा साइन कन्वेंशन ही गलत ले रहा है तो उसका आंसर आना पॉसिबल ही नहीं है. ही विल बी स्ट्रेस्ड, ही विल बी टेंस, ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड. तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन के मूल में एक ही बात है, साइन कन्वेंशन ठीक से लो. इसलिए मैं इतना सारा टाइम पास कर रहा हूं इसके ऊपर. मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं इसके ऊपर. मैं यही चाहता हूं कि आप भी टाइम इन्वेस्ट करें ताकि कल उठ के साइन कन्वेंशन आपको धोखा ना दे. सो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, इसको अपने पक्ष में ले लो, सारा काम अपने हाथ सुधर जाएगा. एंड थर्डली यू नो हाइट, हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस शैल बी टेकन पॉजिटिव, below the principal axis shall be taken negative. So heights above principal axis are taken positive and vice versa, below the principal axis shall be taken negative. Ab fir se main magnification ki baat karu. Acha, before I do that I need to tell you this one thing. You already know it, I've spoken it n number of times in my normal classrooms. Concave mirror will give you
a real image and an inverted image. Only in the last case, where object is between F and P, will you get a virtual erect and magnified image somewhere here. So suppose ये object है कहीं पे, you know, ये object है कहीं पे, यहाँ पे F और P के बीच में, यहाँ तुम्हारा image आएगा, which will be virtual, erect and enlarged. तो अगर कोई तुमसे बोले कि मेरे पास virtual image है, तो कुछ भी हो सकता है, it can be a plane mirror, it can be a concave mirror, it can be a convex mirror, you can't decide. वो कहता है मेरा virtual image enlarged है. Oh boy, इसका मतलब plane mirror नहीं है. क्योंकि प्लेन मिरर में साइज सेम रहती है. एनलार्ज मतलब कॉनकेव. तो तुम बोलोगे कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, बट इट इज ऑलवेज डिमिनिश. सो सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ कहीं इमेज होगी. सो ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश. सो यू विल रिमेम्बर दीज. आप डेटा करते टाइम भी एक इमेजिनेशन लगाओगे कि ये कहाँ रखा जा सकता है ताकि इस तरह की इमेज मिले, किस तरह ये वर्कआउट होगा. I'm sure you don't want me to write all that. कि convex में image is always virtual, erect and diminished. Concave में majority times, you know, 6 cases में से 5 cases में image is real and inverted. Only in the 6th case where object is between F and P, image will be virtual, erect and enlarged behind the mirror. Okay, this is how it is. फिर बात करते हैं magnification की. Magnification, you can also call it lateral magnification. M is height of image upon height of object. So you can call it H dash by H. And हमने derivation करके equation लाया था. M is H dash by H, which is minus V by U. You can also, अब तुमको V और U दोनों find करना पड़ेगा. पर अगर तुमको U और focal length दिया हुआ है, तो it can be written as F over F minus U. Mirror formula से ये equation आ पाते हैं. So, और इसमें भी एक note है, याद रखें इसको. If M is positive, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, it means image is erect. And if M is negative, image is inverted. Second case, कि if the magnitude of M, मैं sign की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ magnitude, is greater than 1, then image is enlarged. Whereas, if the magnitude of M is less than 1, then image is diminished. So, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको याद रखने से काफी काफी अपना काम अच्छी तरह हो जाएगा. So, this was all about curved mirrors. अच्छा, एक और important बात बता दूं curved mirrors के लिए, कि फॉर कॉनकेव मिरर, ये भी अच्छा रहता है याद रखना, आर एंड एफ आर ऑलवेज नेगेटिव, whereas फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर आर एंड एफ आर बोथ पॉजिटिव. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू विल बी नेगेटिव. ऑलराइट, यू विल ऑलवेज सी दैट. सो दिस वॉज रिफ्लेक्शन. And now go. Let's go to the second part of this topic, which is called refraction. Lovely idea this. और Snell के law का काफी इसमें काम है. तो refraction की बातें करेंगे हम. तो what is refraction? Now, you know, whenever a ray of light goes from one medium to another, it bends. You know, due to the differing refractive index, the speeds also vary. The speed of light varies from one medium to another. And as a result, it suffers bending. So, ye medium 1 hai. And this is medium 2. And if this would be the normal, this is my incident ray. This is my incident ray. Then, you will see that instead of going straight, because there is a change in medium, the refracted light suffers bending. This is your refracted ray. Alright? And this, let me call the angles of incidence. I,
एट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और यू वॉन्ट थीटा वन एंड थीटा टू, वॉट एवर इट इज, आपको थीटा वन थीटा टू अच्छा लगता है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो. सो अच्छा, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, अगर ये मीडियम में चेंज नहीं आया होता, डू यू अग्री, ये रे सीधी जाती यहां से ये और यहां से डॉटेड लाइन, बट उसने बेंड हुआ है, तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड डिविएशन डेल्टा. यू नो द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड द न्यू पाथ इज कॉल्ड, इन दोनों के बीच का एंगल इज कॉल्ड डिविएशन. यू वॉन्ट मी टू मेंशन दिस हियर, दिस इज deviation. All right, look out for this word sometimes. Now Snell, nothing about without Snell, Snehal's law. वैसे ही दो चीजें, पहला incident ray, refracted ray, normal, they all lie in the same plane. The second more important law, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a कांस्टेंट. ये है स्नेहल का लॉ. जैसे ओम्स लॉ इज नॉट वी बाय आर, ओम्स लॉ इज वी बाय आर इज कांस्टेंट, दैट इज ओम्स लॉ. फिर वो कांस्टेंट को आर नाम दे दिया और फिर वी इज इक्वल टू आई आर, दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. सो वी इज आई आर इज नॉट ओम्स लॉ, इट्स द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. उसी तरह लोग कहते हैं n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2, दैट इज स्नेल्स लॉ. नो, दैट इज नॉट स्नेल्स लॉ. That is the widely used version. That is the modified version of Snell's law. Snell's law is the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant. And this constant ko naam diya gaya N21. Here N21 is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. अच्छा, इट वॉज सीन दैट N21 इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटीज ऑफ लाइट्स इन मीडियम्स 1 एंड 2, मीडिया 1 एंड 2. सो N21 इज V1 बाय V2. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. ऑल्सो वी डिफाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे यू नो तुम बोलोगे सर डेरिवेशन कर रहे हो आप, एक्चुअली हाँ, बट एक्चुअली ना डेरिवेशन ही कर रहा हूँ, बट ये सारे जो इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ ये सारे कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होंगे. दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई आई एम डिराइविंग एक्चुअली दिस. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज c बाय v. c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. दस n1 इज c बाय v1 व्हिच गिव्स मी v1 इज c बाय n1 एंड n2 इज c बाय v2 व्हिच गिव्स मी v2 इज c बाय n2. Now I want V1 by V2. Thus, N21, which is V1 by V2. V1 ki jagah C by N1, V2 ki jagah C by N2, CC cut, N2 chading upar. So finally you have N21 is N2 by N1. Is N21 ki jagah N2 by N1 laga do. So, mujhe kya mil jayega? Snell's law. Sin theta 1 by sin theta 2 is N2 by N1. And which finally, I am sure everybody out here knows the final equation, which is N1 sin theta 1 is N2 sin theta 2. Never a day passed without us doing refraction without the use of this law. Majority numericals of this chapter were based on this law. So N1 sin theta 1 is N2 sin theta 2 is the modified form of Snell's law. And इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि जिसकी refractive index ज्यादा हो we call it a denser medium, and जिस medium की refractive index कम हो we call it a rarer medium. And also if light goes from rarer to denser, है जी, if light goes from rarer to denser, है कोई जो बता सके मुझे, rarer to denser, then it bends towards the normal, RDT. Alright? So, rarer to denser, it bends towards the normal, and if it's denser to rarer, it goes away from the normal. So, if light goes from rarer, हमने इसका एक mnemonic भी निकाला था ना,
क्या था? रामदेव त्यागी? नहीं, क्या था? याद नहीं आ रहा मुझे। From the letter to the answer, it bends towards the normal. मुझे क्यों पीछे चुकुर बुकुर हो रहा है? कुछ था ये राम शिव है, बहुत टाइम हो गया याद नहीं आ रहा, बट याद आएगा तो बता दूंगा। सो इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट, तो एग्जैक्टली अगर आप देखो, यू नो, लेट्स शो दिस एज एन एग्जाम्पल। अगर ये कोई बंदा है और वो फिश देखने आया है, यू नो, हमारे वकील साहब थे, वो फिश देखने आए थे, है वकील साहब? सही बात है ना? फिर एंड दी रे बेंड्स एंड फिश कहीं आ, दिस इज द एक्चुअल पोजिशन, बट द थिंग इज वकील साहब विल नॉट बी एबल टू सी द फिश हियर। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू रिफ्रैक्शन बरोबर, ओके, वकील साहब को फिश कहीं यहां नजर आएगी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द फिश। वकील साहब ट्राइंग टू टच द फिश हियर बट नो सक्सेस बिकॉज वो हाथ में ही नहीं आ रही है। वकील साहब इज वेरी अनहैप्पी, क्या यार फिश हाथ में नहीं आ रही, बट फिश यहां है ही नहीं, फिश तो यहां है ओरिजिनल पोजिशन के नीचे। तो जब भी आप एक मीडियम से दूसरे में देखते हो, द इमेज ऑलवेज अपियर्स lifted. All right, this is the prime idea. Image always appears lifted. I'll call this hope, height of actual object, and I'll call this high, height of the image. From the depth bhi bol sakte ho, no issues. This is in rarer, because vakil saab is standing in air, and this is denser, fish is in denser medium. So you can see here that high is less than hope. As a result, one of my prime equations here is hi by ho is n rarer over n denser. And I use it as a benchmark that agar object is in denser medium, then image appears lifted and hi is less than ho. So hi by ho is n rarer by n denser. On the other hand, fish agar vakil saab ko dekh rahi hoti, to vakil saab bhi unche nazar aate. वैसे तो वकील साहब ऊंचे हैं ही, पर हाई वुड बी ग्रेटर देन हो। सो इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम देन हाई इज ग्रेटर देन हो, देन हाई बाय हो इज एन डेंसर बाय एन रेयरर। आई होप आपको ये सारी बातें याद हो। ऑलराइट, फिर हमने बात की थी लैटरल शिफ्ट की। लैटरल शिफ्ट, लवली आइडिया, यू नो, रेक्टेंगुलरिश ग्लास स्लैब एंड एक में से एक एंड में से लाइट घुसती थी एंड दो बार रिफ्रैक्शन होने से उसका पाथ चेंज हो जाता था। आई शो दैट टू यू, लैटरल शिफ्ट। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसका एक्सपेरिमेंट भी करते थे कभी कभार, करते थे ना, एंड यहां से लाइट घुसी। अब अगर ये सीधी चली जाती है, स्लैब नहीं होता, तो इट वुड हैव गॉन समथिंग लाइक दिस, बट स्लैब होने से रिफ्रैक्शन हुआ और यहां से बाहर निकलने के बाद दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ। कैन यू सी इट इमर्जेस पैरेलल टू द ओरिजिनल रे बट शिफ्टेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स, विच इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। सो एक्स इज योर लैटरल शिफ्ट। लेट अस से द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये थीटा वन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा टू हो गया। ये थीटा टू यही थीटा टू है सर जी, और ये थीटा टू यही थीटा वन है सर जी, बराबर खेल गल्ला सर भाई। लैटरल शिफ्ट का इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा वन माइनस थीटा टू ओवर कॉस थीटा टू। इट पेज टू रिमेंबर इक्वेशन पीपल, सीधा इक्वेशन लगा डाला लाइक झिंगा डाला। T, don't forget, is the thickness of the slab. उसके बाद भाई एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन के तो बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमको सन होराइजन के नीचे जाने के बाद 2 मिनट तक नजर आता है लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, सन होराइजन के ऊपर आने से 2 मिनट पहले से नजर आने लगता है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। उसके बाद और क्या था, बाल्टी में टम्बलर डालो तो टम्बलर लिफ्टेड नजर आता है, ये सारी चीजें एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ जुड़ी हुई थी। देन वी गो टू व्हाट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वी यूज टू कॉल इट TIR। तो क्या था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बेस्ड ऑन टू आइडियाज। द फर्स्ट, यू नो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो सपोज ये मेरा डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट इज सीन दैट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। एक पॉइंट पे आके तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि लाइट इस मीडियम में नहीं जा रही है बट इट इज स्किमिंग ऑन द सरफेस ऑन द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। दिस एंगल थीटा 1 इज कॉल्ड IC, क्रिटिकल एंगल। एंड यू कैन सी फॉर दिस क्रिटिकल एंगल R इज इक्वल टू 90 या थीटा 2 इज 90। सपोज इसका मैं N1 लू और इसका N2 लू, देन बाय स्नेल्स लॉ आई हैव N1 sin theta 1 is N2 sin theta 2. So N1 sin IC, theta 1 IC hai, is N2 sin 90. Sin 90 is 1. So what do you get as sin IC? Isn't it N2 by N1? Acha, in a special case, if medium 2 is air, then air ka refractive index kya hota hai? 1. तो आपको मिल गया साइन सी, साइन आई सी एक्चुअली इज 1/n, जहां पे n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। तो दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। एंड अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी बढ़ा दिए तो क्या गजब हो जाएगा, लाइट ना इस मीडियम में जाएगी ना स्किम करेगी सरफेस को, बट विल कम बैक इन अ रादर अनयूजुअल टर्न ऑफ इवेंट्स, द लाइट विल कम बैक in the same medium itself. So theta 1 greater than IC and ye bhi theta 1 hi hoga. Laws of reflection apply. So jitna ye angle hai, utna hi ye angle hai. This is your incident ray. This is your totally internally reflected ray. Alright? And isme total internal reflection bahut jagah pe istemal hota hai. Primarily diamonds. You know, diamond ka refractive index 2.42 hota hai. And as a result, उसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल उसका 24 डिग्री होता है। सो एंड बहुत सारे फेसेस होते हैं उसके, सो इफ लाइट एंटर्स एट एन एंगल ग्रेटर देन 24 डिग्री देन वो टक 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 इंटरनल रिफ्लेक्शन करता जाएगा। एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डायमंड में बहुत सारी लाइट घूम रही होगी, एज अ रिजल्ट बाकी सारी चीजों से ज्यादा प्रकाशमय हमको डायमंड नजर आता है। ओके, दिस वॉज द डायमंड। एंड एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी, यू नो, मिराजेस डेजर्ट में हॉट समर आफ्टरनून्स में, यू नो, हाईवे पे हमको मिराज दिखते हैं, तो वो भी उसी लिए होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सो जमीन के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ टेम्परेचर गेट्स कूलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो व्हेनेवर लाइट कम्स इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइनली जमीन के पास उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और बंदे को वो चीज जमीन के नीचे नजर आती। यू सीन द डायग्राम बिफोर, यू डोंट नीड टू सी द डायग्राम अगेन, राइट? दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो दिस इज वॉट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स में भी काफी इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स दिखा दूं आपको, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये है उसका कोर एंड इसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं क्लैडिंग। एंड हमेशा याद रखना क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ द कोर। ऑलराइट, सो ये पूरा ग्लास का फाइबर है, उसमें आप लाइट इंसिडेंट कराते हो एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC देन वो बाहर नहीं जाएगी बट इट विल
नो चिक 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 पूरे फाइबर में जाते हुए एक एंड से दूसरे एंड चली जाएगी। सोनोग्राफी, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। सो दिस वॉज ऑप्टिकल फाइबर्स एंड ऑल। लेट्स मूव ऑन, देन वी गो ऑन टू, यू नो, नाउ वी आर कमिंग टू द ब्रिज। रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। सर ये ब्रिज क्या होता है? यू नो द ब्रिज बिटवीन मिरर्स एंड लेंसेज, दिस इज इट। ऑलराइट, द प्रीकर्सर टू लेंसेज, स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। सो मेरे पास ये स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस है एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सब कुछ यहां से मेजर होने वाला है जेंटलमैन। ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब सपोज मेरे पास यहां ऑब्जेक्ट है, विल कॉल ए द ऑब्जेक्ट, और यहां से एक रे निकली। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये उसका नॉर्मल। ओके, गंदा नॉर्मल था, इट वॉज नॉट रियली नॉर्मल, लिटिल एबनॉर्मल, बराबर। ये नॉर्मल है एंड यहां से रिफ्रैक्शन होगा और कहीं यहां पे मेरे को मेरी फाइनल इमेज मिलेगी, बी इज द इमेज। तो इफ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स हियर। ये एन वन है यहां बाहर, ये एन टू है इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या क्या है, ये यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये है वी इमेज डिस्टेंस। 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 को जोड़ता हुआ एक ठो इक्वेशन, जबरदस्त आइटम, माइनस एन वन बाई यू प्लस एन टू बाई वी इज एन टू माइनस एन वन बाय आर। ये 5 है पर 7 मिल जाए तो धमाधमी मचा देते हैं, गलती से कुछ ऊंच नीच हो गई तो वाट लग जाएगी आपकी। मैं हमेशा इसके नीचे एक स्टेटमेंट तो लिखी देता हूं, हियर एन वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट, एन टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इमेज इज ऑब्टेन। सो एज आई सेड, प्राइमेरली यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका इमेज बनता है, दैट इमेज एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सम अदर मीडियम। तो बी वेरी केयरफुल, पहले आप इसको और इसको देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये मीडियम इसका है, ये मीडियम इसका है। फिर आप दूसरा जब रिफ्रैक्शन देख रहे हो, अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर इमेज बन रही है, ये इमेज और उसका वो, तो बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज करके देखना जरूरी है व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग स्टफ, सो दैट यू डोंट गेट मिक्स्ड अप। बाकी नहीं तो मिक्सिंग अप का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। सो दिस इज द आइडिया। एंड इसके बाद अब आया थिन लेंसेस, माय गॉड, अनबिलीवेबल। थिन क्यों सर? क्योंकि ये तो काफी जाड़ा है ना, तो हमको थिन चाहिए। थिन का मतलब है कि जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस के बीच का गंदा डायग्राम हुए है, जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस के बीच का, ये भी बकवास, ये मस्त है। जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस के बीच का डिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये लेंस है अपनी, ये मस्त कॉन्वेक्स लेंस है, एंड यहां से सब कुछ मेजर होता है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे यहां था, ये ऑप्टिकल सेंटर है, लेट अस कॉल इसका एन टू, और ये जो बाहर है ये एन वन है। सो सीन क्या होता है यहां पे कि सपोज यहां ऑब्जेक्ट है, ये पहला रिफ्रैक्शन होगा थ्रू सरफेस वन, ये सरफेस टू है, सो पहला रिफ्रैक्शन होगा टिंग, इमेज कहीं मिरर के, मतलब लेंस के ग्लास के अंदर बनेगी, दैट इमेज विल एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस टू, एंड सरफेस टू से फाइनल रिफ्रैक्शन में इमेज कहीं यहां बनेगी, फाइनल इमेज, ये फाइनल। सो देयर आर टू रिफ्रैक्शंस इन्वॉल्वड हियर, फर्स्ट थ्रू सरफेस वन, सेकंड थ्रू सरफेस टू, सो दिस इज यू, दिस इज वी, एंड हाउ आर यू गोइंग टू लिंक ऑल दिस, हाउ डू वी लिंक एन वन
is the refractive index of the medium in which object is kept and which image is obtained. N2 is the refractive index of the material of the lens. So how are you going to mix this? So minus 1 by u plus 1 by v is N2 minus N1 over N1. 1 over R1 minus 1 over R2. Whoa, man. Sir, ये तो बाकी सब ठीक है. R1 R2 कौन है? भाई, ये surface 1 का center of curvature कहीं यहाँ होगा. We'll call it C1. This is R1. And surface 2. वैसे मैंने जो लाइनें मारी है उसमें ये 1 और 2 कट गए. But don't worry. लाइनों पे हमारा अधिकार. ये सरफेस 1, ये सरफेस 2. ओके, सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है एंड 2 का यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. वेल, इफ यू टेक दिस टू बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यू कैन सी u इज पॉजिटिव, u इज नेगेटिव. सिमिलरली R2 इज आल्सो नेगेटिव. सो बाय कन्वेंशन वी टेक R1 एज पॉजिटिव एंड R2 इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव. U तो नेगेटिव है ही, V पॉजिटिव है. ऑलराइट, सो N2 N1 N1 तो ये पॉजिटिव वैल्यूज ही होते हैं. तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ लेंस. अच्छा, ऑल्सो 1 बाय F फोकल लेंथ लेडीज इज N2 माइनस N1 ओवर N1, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2. दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. सो 1 बाय F इज N2 माइनस N1 ओवर N1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. और इन दोनों को मिक्स करके जो बनता है मिसल पाव बनता है. सो मिक्सिंग दम वी गेट, वो मिरर फॉर्मूला जैसा ही एक अप्रतिम फॉर्मूला होगा, वो होगा लेंस फॉर्मूला विच इज माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी is 1 by F. Whoa, beauty. This is equation 3 is called Lenz formula, or you can also call it the Gaussian equation for a thin lens. Magnification bhi hai, sab hai humare paas, koi dikkat ki baat nahi. Magnification, lateral magnification, that is M, which is H dash by H, is simply V by U. Alright, so M magnification is S dash by A is simply V by U. This is the magnification of a lens. Teesra ek aur cheez hai, which is called power of a lens. You know, the ability of a lens to converge or diverge rays of light is called power. And P is 1 by F. The reciprocal of focal length is called power of a lens. And SI unit of power is meter inverse, or better known as diopter. D, power of a lens is usually in diopter. 1 diopter is 1 meter inverse. अच्छा, मैंने अभी आपको ये convex lens दिखाया, मैं concave भी दिखा देता हूँ. Don't worry, सब variety आपको दिखाएंगे. So, you know, 1 diopter is 1 meter inverse. For convex lens, F positive होता है, so P भी positive होगा, P and F are positive, and for concave lens, P and F are both negative. Let me show the convex lens. You know, मैं convex भी बना ही देता हूँ, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ actually. This is a convex lens, and जो यहाँ से paraxial rays आती हैं, they actually meet here, you know, at the focus. So, convex lens is called a converging lens. आपने सूरत दादा का नहीं किया था, you know, convex lens हाथ में रखे, किसी को बोला इधर ला, और फिर उसके, you know, जलन किया यहाँ पे, उंगली नहीं किया आपने कभी, यही होगी, ये convex lens है. Converging lens, did I say that? Sometimes वो लोग लिखते नहीं है कि convex lens है या concave lens. They just tell you a diverging lens is you. Now if you don't know what's a diverging lens, तो हालत गंभीर हो सकती है.
Wow, this is a concave lens. And as, let me show you. तो ये तुम्हारे पैराक्सियल रेज आ रहे हैं एंड दीज रेज एज द नेम सजेस्ट विल डाइवर्ज, तो दे विल डाइवर्ज. सो नहीं, ये किस तरफ जाएंगे एंड उसको पिछवाड़े में मिलाएंगे. तो रुको, पहले पिछवाड़े में मिला लेते. ओके. So as you can see, इसका एफ नेगेटिव होता है क्योंकि इस तरफ है महाराज. आपने देखा, तुमको सब कुछ ओ से मेजर करना है ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है. तो ओ से एफ आने के लिए यू गो ऑपोजिट टू द लाइट, जबकि यहां पे ये ओ से एफ जाने के लिए यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो एफ इज पॉजिटिव हियर एंड एफ इज नेगेटिव हियर. सो कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. ओके, तो ये होता है लेंस का फंडा. अच्छा, ये लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हो तो बढ़िया मजा आता है. कॉन्टैक्ट में हो तो ना हो तो भी मजा आता है, इसी के बाद नहीं, पर कॉन्टैक्ट में हो तो ज्यादा मजा आता. सो लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, यू नो, यू माइट बी आस्क्ड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर और समथिंग लाइक दैट. सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f is 1/f1 plus 1/f2 plus tak plus 1/fn. Equivalent power P is P1 plus P2 plus tak plus Pn. Do not forget for one instant even that F1 F2 भले आपने लिख दिया पर आप उसका साइन तो लेंगे ही. अगर कॉन्केव है तो माइनस लेंगे, कॉन्वेक्स है तो प्लस लेंगे. डोंट फॉरगेट दैट. सेम विथ पावर एंड इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन, इट्स अ लवली आइडिया. M is M1 into M2 into into mm. बहुत ही बढ़िया चीज. अच्छा, as a note, if two lenses are separated by a distance d, then what was the equivalent magnetic focal length 1/f is 1/f1 plus 1/f2 minus d by f1 f2. Equivalent power p, P1 plus P2 minus DP1 plus P2, D1B, P1, P2. But surprisingly, magnification में कोई फर्क नहीं आता. Magnification remains essentially the same. So, this was for lenses in contact. फिर हमने scattering किया. अच्छा, मैं आपको एक note दे दूं कि if lens has focal length F in air and it is immersed in water, then the focal length, new focal length F water is kariban 4 times focal length in air. So itna yaad rakhiyega. If refractive index, in blue mein bahut likha, if refractive index of the lens, if refractive index of the lens is same as that of the medium, then the lens will become invisible, means it will not be seen. So in short, अगर आपका refractive index air जितना होता तो आप भी दिखाई नहीं देते, Mr. India हो जाते. So idea यही है. अगर suppose तुमने कोई lens बनाया जिसका refractive index 1.33 है और तुम उसको पानी में डालते हो जिसका refractive index भी 1.33 है, तो आपको lens नजर ही नहीं आएगा. It will become invisible because दोनों का refractive index same हो जाता है. So this is the idea. फिर और कुछ छोटी सी बात जाननी थी? नहीं. फिर हम बात करते हैं स्कैटरिंग की. यू नो, स्कैटरिंग तीन तरीके का होता है. फर्स्ट, इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल स्कैटरिंग द लाइट इज, यू नो, इज स्मॉलर देन द, यू नो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन इट इज कॉल्ड राले स्कैटरिंग. सन अपियर्स रेडिश ऑरेंज एट सनराइज एंड सनसेट, स्काई अपियर्स ब्लू, दैट इज ऑल राले स्कैटरिंग. बट बिफोर आई डू राले स्कैटरिंग, डिस्पर्जन और प्रिज्म बहुत जरूरी है. सो
मुझे अचानक याद आया कि स्कैटरिंग से पहले डिस्पर्जन आना मांगता है, कलर तो आए नहीं, कलर कलर खायो कलर खायो कलर यू दैट लवली गेम है कलर डब गेम एक्चुअली स्टूपिड गेम बट कलर कलर खायो कलर यस लवली ओके प्रिज्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू प्रिज्म भाई आई लव दिस डायग्राम यार आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू मेड इट बट आई मेड इट अ स्कोर ऑफ टाइम्स एंड जब भी बनाया बहुत मजा आया Here A, B, C is the prism. A is called the angle of the prism. A is angle of prism. And यहाँ से एक light आती थी. And हम कुछ भी करने से पहले ये light का अगर ये prism नहीं होता तो सीधी चली जाती. This is the original path. अब यहाँ पे prism आ गया तो bend मारेगी. पहला bend मारा. और पहला bend मारने के बाद अब ये दूसरा refraction मारेगी और finally आएगी बात. This is incident ray. This is refracted ray and this is emergent ray. As I said, the angle between the original ray and the emergent ray is what we are looking at. This is your deviation delta. Deviation delta. अब ये deviation दो भागों में है. पहला deviation यहां आया, ये delta 1 हो गया. और दूसरा deviation यहां आया तो ये delta 2 हो गया. So combining these two, you get the first equation for deviation delta as delta 1 plus delta 2. फिर आप you know वो करना शुरू करते हैं normal विर्मल मारना शुरू करते हैं तो ये normal है थोड़ा सा okay this is P this is Q this is R this is S. Now this was I. This was R1. If I remember correctly, this was R2 and this whole thing was E, emergence, angle of emergence. I is angle of incidence, E is angle of emergence. R1, R2 are angles of refraction. Now, हमने सब धंधे किए, finally हमको ये भी मिला कि A, angle of prism is R1 plus R2. And finally, we got a lovely equation for deviation delta is I plus E minus A. हमको डेरिवेशन से कोई काम नहीं थोड़ी हमको सब्जेक्टिव देखना है हमको तो इक्वेशन देखना है सो डेल्टा इज आई प्लस ई माइनस ए लेट अस सी दिस वाज एन1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस वाज एन2 दिस वाज अगेन एन1 इन द सेकंड पार्ट वी डेल्ट विद मिनिमम डेविएशन सो मिनिमम डेविएशन दैट मींस डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस सो इफ आई इज इक्वल टू ई then delta is delta m और फिर हमने you know find out करना शुरू किया सबसे पहले तो Snell's law लगा n1 sin I is n2 sin r1 उसी तरह n2 sin r2 is n1 sin e और फिर दोनों को मिश्रित किया और रजा ने क्या क्या किया हमको इक्वेशंस मिले R is equal to A by 2 ये भी मिला R1 is equal to R2 is equal to R and finally हमको refractive index का equation मिला of prism N is anybody sin A plus delta M by 2 over sin A by 2 a lovely equation this so refractive index of prism actually this is N21 refractive index with respect to the outer medium so n to 1 is sine of a plus delta m by 2 delta is minimum deviation and upon sine a by 2 acha if prism is small matlab a is small to ye sine ud jayega and finally you get n to 1 is a plus delta m by a a delta m ya bolte the ya dm bolte the whatever be the case तो फाइनली आपको डेल्टा एम या डीएम क्या मिलता है सो डेल्टा इज एनीबॉडी नो प्रॉब्लम श्रावण का महीना शुरू हो गया ना आप लोग शांति से बैठो शिव जी का आराधना करो सो डेल्टा इज ए इनटू एन माइनस वन सो दिस इज व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल तो ये हो गया प्रिज्म का फंडा और अब मैं डिस्पर्जन की ओर जा रहा हूं डिस्पर्जन मतलब व्हेन व्हाइट लाइट It's very important, huh?
when white light falls on one face of the prism, then it gets divided into seven constituent colors. So this is the dispersion idea. ये तुम्हारा prism, वही same shit, and वही white light ना, normal light नहीं, monochromatic light नहीं, white light. एंड यहां पे देखोगे वो डिवाइड कर जाएगा. ओह माय गॉड, सबसे ज्यादा बेंड मारने वाला वायलेट और सबसे कम बेंड मारने वाला रेड, बाकी के एक दो तीन चार पांच, आई बी जी वाई ओ आर. विप योर वायलेट बेंड्स द मोस्ट, रेड बेंड्स द लीस्ट, और बाकी सब बीच का, इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज. Alright, so now the question arises, why should violet bend the most? Because the refractive index offered by glass to violet is more than the refractive index offered by glass to red. So NV greater than NR, so delta V is greater than delta R. Bending for violet is greater than bending for red. And not only this, आप दो प्रिज्म उल्टे और पुल्टे लगा के ये रिवर्सिबल फिनोमिनन भी कर सकते हो. सो ये लाइट आई, बेंड हुई सात कलर में, ये वायलेट है, ये रेड है, ये व्हाइट लाइट, एंड फिर से मिलन हुआ जी, फिर से बन गई व्हाइट लाइट. सो डिस्पर्जन इज एन एब्सोल्युटली यू नो रिवर्सिबल फिनोमिनन. आप येलो वायलेट और रेड के सारे कलर्स बीच में मिला करके व्हाइट लाइट भी बना सकते हैं. और वो व्हील नहीं देखा था आपने, सात अलग कलर का घुमाते तो व्हाइट मिल जाता है, सेम ओल्ड शिट. सो दिस इज डिस्पर्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन. अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि द डिफरेंस ऑफ एंगल, यू नो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. एंड डिस्पर्सिव पावर, ये जेई नीट के लिए इस्तेमाल होता है, एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. आपको डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की जगह, अभी हमने थोड़ी देर पहले याद है डेल्टा रखा था, ए इंटू एन माइनस वन. सो डेल्टा वी विल बी ए इंटू एन वी माइनस वन, डेल्टा आर विल बी ए इंटू एन आर माइनस वन. सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज ए NV minus NR. And dispersive power, ये good set में नहीं है, is the ratio of angular dispersion to mean deviation. So that is delta V minus delta R over delta. तो आपको लिखना है mean deviation वो delta, नहीं तो बी delta V minus delta R, ये रहा A into NV minus NR, and this is delta is A into N minus R. Dish. ये ऐसे ही है. ये क्या हुआ इसको अचानक? गोली लगी उसको. अच्छा. गोली कैसे लग गई? अच्छा डिश. Oh my God. अच्छा हाँ नहीं बहुत टाइम से तू गोली खाया नहीं अब तक. So this was angular dispersion and dispersive power. एंड स्कैटरिंग होता है जैसे एज आई सेड कि यू नो व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स यू नो जिनका विच मेक अप द एटमॉस्फियर व्हेन दे स्कैटर द लाइट तब राले स्कैटरिंग होता है. एंड राले में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा रेज टू 4. नाउ वी नो लैम्ब्डा रेड greater than lambda violet. Red का lambda ज्यादा है तो जिसका lambda ज्यादा होगा उसका scattering कम होगा, और violet का lambda कम है जिसका lambda कम होगा उसका scattering ज्यादा होगा. तो violet, blue वगैरह colors बहुत ज्यादा scatter हो जाते हैं, and red, orange वगैरह colors एकदम कम scatter होते हैं, और वो सूरज से हमारी आंख में पड़ते हैं तो हमको एक sunrise या sunset, sun appears reddish orange. और वो जो blue violet सब scatter हो गया वो space में scatter हो गया तो आप नजर उठा के देख लो तो आपका आसमान ब्लू नजर आएगा. सो स्काई अपियरिंग ब्लू, सन अपियरिंग रेडिश ऑरेंज एट सनराइज और सनसेट, दैट इज ऑल ड्यू टू रेले स्कैटरिंग. सो हियर
the size of the particle scattering the light is lesser than the wavelength of the light. Second is me scattering. You know, here the size of the particle scattering the light is more than the wavelength of light. You know, dust particles, water, impurities, etc., which make up clouds. यहाँ पे diffused reflection takes place. मतलब जैसे 100% लाइट पड़ती है क्लाउड पे, वो क्लाउड 10% लाइट अपने पास रख लेता है, बाकी 90% जाने देता है, क्योंकि सारे कलर्स आ रहे हैं तो लाइट तो सारी आ रही है, तो इट विल अपीयर व्हाइट एंड वो क्लाउड दिखने लगेगा क्योंकि उसने 10% लाइट अपने पास रखी है. सो क्लाउड्स अपीयर व्हाइट ड्यू टू मी स्कैटरिंग. ऑन दी अदर हैंड मॉइस्चर क्लाउड्स आजकल दिखाई नहीं दे रहे हमको, अहमदाबाद में तो नहीं दिखाई दे रहे, पर मॉइस्चर क्लाउड्स पानी से भरे होते हैं, वो 100% लाइट अब्सॉर्ब कर लेते हैं. एज अ रिजल्ट आपकी आंख में लाइट आती नहीं है, तो आपको वो क्लाउड्स ब्लैक नजर आते हैं. सो क्लाउड्स अपीयरिंग ब्लैक और व्हाइट, दैट इज ऑल ड्यू टू मी स्कैटरिंग. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. हमने रामन स्कैटरिंग देखा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनइलास्टिक स्कैटरिंग. यू नो, नॉर्मल लाइन्स के बाहर आपको रामन लाइन्स भी नजर आएंगी, एंड दीज वर ऑल्सो you know used to see the structure of that material and stuff like that. So that was inelastic scattering, which was called Raman scattering. Ab aage badhte hain, I think optical devices ke bare mein baat karni hai. Waise uske bare mein kuch zyada baat to karni nahi. Sabse pehla to microscope hai, simple microscope, single lens contraption. Usme bhi ye hota hai, aapko yaad ho d is called least distance of distinct vision, least distance of distinct vision is called D, and which is equal to 25 centimeter. बराबर. तो you know 25 centimeter पे अगर कोई चीज रखी तो आपको perfect नजर आएगा, एकदम clear नजर आएगा. बच्चों का least distance of distinct vision 10 centimeter होता है, बड़ों का, बूढ़ों का least distance of distinct vision 50, 60, 70 centimeter होता है, तो उनका आंखें कमजोर होने लगती है उस टाइम पे. So अगर आपका फर्स्ट इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इसमें ज्यादा कुछ थियरी तो है नहीं, देन मैग्निफिकेशन, भाई मैग्निफिकेशन इज डी बाय एफ, वेयर एफ इज फोकल लेंथ, नो डाउट. एंड इफ इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, image formed at least distance of distinct vision D, then magnification M is 1 plus D by M. वैसे कोई को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, कोई एक का ही फर्क है, but जिस तरह वो आपको बोलते हैं इमेज कहां फॉर्म हुई है, उस हिसाब से यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला दैट यू वांट. देन वी गो ऑन टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टू लेंस फिनोमिनन. वन, जो ऑब्जेक्ट के बाजू में जो लेंस होती है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एंड दूसरी जो जहां पे हम अपनी आंख रखते हैं उसको आईपीस कहते हैं. लेट मी सिंपली ट्राई टू मेक अ गुड डायग्राम ऑन द बॉल पार्क. सो ये आपका ऑब्जेक्टिव, और यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पे टिक टिक टिक, यहां पे आपकी फर्स्ट इमेज. अगर ये ए बी है तो दिस इज ए डैश बी डैश. दिस फर्स्ट इमेज विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, द आईपीस. ओह माय, डेंजरस आईपीस. एंड यहां से थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए करीबन उसी जगह पे होता है ए डबल डैश बी डबल डैश. दिस इज योर फाइनल इमेज, दिस इज डी. वेल, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पढ़ रहा है. दिस इज यू, दिस इज वी वन, एंड यू नो ये जो ये फर्स्ट फोकस और ये करीबन सेकंड फोकस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एल. अरे, the distance between the two focal points of both the lenses is called L. तो यहां पे net magnification M is more
into me. Mo means magnification of objective. Me is magnification of eyepiece. Mo is L by 4. L and 4 is your focal length of objective. And me is 1 plus D by phi. Single lens contraption. Simple microscope pe dekha tha humne. So, M is L by 4 into 1 plus D by phi. This is if the image is formed at least distance of distinct vision. On the other hand, if image is formed at a very large distance, technically infinity, well of infinity, then M can be simply written as L by 4 into D by phi, which gives me the beautiful mnemonic, M is LD by 4 phi. LD by 4 phi. This was the idea. And ये छोटी चीजों को बड़ा करता है. और थर्ड आइटम जो बड़ी दूर की चीजों को पास ले आके बड़ा करता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है. सो थर्ड इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एज इस ये भी इमेज बनवाओगे यार मुझसे, कमाल है. ये ऑब्जेक्टिव है एंड यू नो टेक्निकली बहुत दूर से रेज आ रही है. यहां आपका फर्स्ट इमेज फॉर्म होता है A1 B1 एंड दिस इमेज एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस. आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट इन द बॉल पार्क. A2 B2 एंड दिस इज योर यू नो फाइनल इमेज. अब मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड किया जाए? भाई मैग्निफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि दिस इज एंगल बीटा, दिस इज एंगल अल्फा. सो मैग्निफिकेशन इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट at the objective. So you can say M is beta by alpha. Ye beta by alpha, which can be written as 4 by phi, where 4 is the focal length of the objective, phi is the focal length of the eyepiece. And the distance between the two, here tube length kehte hain isko, tube length, L is 4 plus phi. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए ये दो इक्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी है. के एम इज बीटा बाय अल्फा, दैट इज 4 बाय फी, एंड ट्यूब लेंथ एल इज 4 प्लस फी. टेक्निकली रिमेंबर, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, हमेशा एक इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी आपको. तो अगर आप वीनस को देख रहे हैं तो आपको वीनस उल्टा ही नजर आएगा, पर क्योंकि वो गोल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आपको सीधा देखना है, सपोज आप कोई मैच देख रहे हैं, तो उसमें मैच में उल्टे लोग नजर आएंगे, बहुत ज्यादा मजेदार बात नहीं होगी. तो यू विल हैव टू यूज एन इन्वर्टिंग लेंस कि उसको सीधा कर सके. कैसेग्रेन ने मिरर्स यूज किए थे एंड उसने अपना कैसेग्रेन टेलीस्कोप बनाया था, उसको लेंस में मजा नहीं आया था तो उसने मिरर्स यूज किए थे. फाइनली आंखों की बात है. आंखों में तीन लफड़े होते हैं, आई एम श्योर यू नो. सबसे पहला मायोपिया, जिसमें दूर की चीज अपने को ब्लर नजर आती है. यू नो वो इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंसेज ऑफ द प्रॉपर फोकल लेंथ. दूर की चीज की इमेज रेटिना के आगे बढ़ती, एज अ रिजल्ट बरोबर नजर नहीं आता. सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें नजदीक की चीज बरोबर नहीं नजर नहीं आती. नजदीक की चीज की इमेज रेटिना के पीछे पड़ती है तो ये दिक्कत हो जाती है. वी कैन यूज कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ द प्रॉपर फोकल लेंथ टू करेक्ट दिस. एंड थर्डली अस्टिगमैटिज्म. अस्टिगमैटिज्म कर्वेचर का प्रॉब्लम है. हो सकता है आपको ये दो लाइन बरोबर नजर ना आए, पर ये बीच की नजर ना आए. तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको हॉरिजॉन्टल कर्वेचर का प्रॉब्लम है. कभी कभी ऐसा होता है बीच की लाइन बरोबर नजर आती है, ये बाजू वाली तो बरोबर नहीं नजर नहीं आती. ये कर्वेचर का प्रॉब्लम है एंड इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंसेस. सो अस्टिगमैटिज्म को कैसे करेक्ट किया जाता है? सिलिंड्रिकल लेंसेज यूज करके करेक्ट किया जाता है. तो आई थिंक यहां पे अपना रे ऑप्टिक्स का कार्यक्रम खत्म होता है.
एंड आई एम श्योर आप लोग इसके ऊपर यू नो वर्कशीट पढ़िए आपके पास, यू विल सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वेव ऑप्टिक्स करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।